देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले जो हालात थे, जो पहले हालात थे यहाँ पर एक 10 साल पहले, उसके मुकाबले तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा राहत हो चुकी है। जो 10 साल पहले हालात थे उसमें तो आप पूछिए ही मत कि यहाँ पर पानी कब आता था कब नहीं आता था, क्योंकि हम भी मुमरा में पैदा हुए, मुमरा में बड़े हुए, तो हमको अच्छे से पता है ये चीज़। अभी 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के पूरे सहयोग के साथ यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, पैदा हो चुके हैं। बट स्टिल यू नो यहाँ पर एवरी ईयर जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से जो है पानी इनको नहीं पूर पाता है सही से। तो हम लोगों ने एक बोरिंग ऑलरेडी थी, पर और एक बोरिंग हमने यहाँ पर इसको सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, ये मेरी दादी है इनके नाम पर ये ट्रस्ट है, तो हमने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बोरिंग की इब्तदा की है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग शिवाजी नगर जो ऐसे सारे जो थोड़े अपसाइड एरिया है ना, डोंगर के एरिया है जो थोड़े ऊपर है वहाँ पर, क्योंकि पानी की लाइन ऊपर जाती है तो उनको ठीक से पानी नहीं आ पाता, बहुत सारे रीजंस है, मोटर लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उनके लिए उनकी सुविधा के लिए शिवाजी नगर में और ऐसी जो जगह रहेंगी जो ऊपर रहेगी और जहाँ पे पानी नहीं आ रहा रहेगा वहाँ पर हम लोग बोरिंग की इब्तदा करेंगे इंशाल्लाह। ये बोरिंग है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा? ये बोरिंग हम लोगों का ऐसा गोल है कि हम लोग इसको डिवाइड कर दें, मतलब ऑलरेडी जो बोरिंग है उससे आधे पट्टे में डिविजन हो जाए और इससे आधे पट्टे में डिविजन हो जाए, बाकी पीने की लाइन को कहते हैं। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ पर जो बोरिंग की शुरुआत की गई है तो इससे आप लोगों को पानी की जो प्रॉब्लम थी कुछ हद तक हो जाएगी? पहले बहुत तकलीफ थी लेकिन अभी माशाल्लाह से सानू भाई की और मर्जिया प्रधान की सहयोग की वजह से सब जो यहाँ पे पीनेगा पानी का भी हो चुका है आधे से ज्यादा, और आधा तो समझो बोरिंग से आराम हो जाएगा, बहुत लोग को आराम मिलेगा। मर्जिया ये जो बोरिंग किया गया है तो इसमें क्या खारा पानी आ रहा है या नहीं? इसमें मीठा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। देखो मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी सीजनल इशू की वजह से हम लोग ने जो 2.5 साल पहले बोरिंग की थी उसको वो सीजनल इशू की वजह से क्लाइमेटिकल चेंज जो कंटिन्यू हो रहा है हमारे पहले से थोड़ा सा उसमें थोड़ा खारा पानी आ रहा था, वो भी हम लोगों ने लैब टेस्टिंग को दिया है। तो तब तक हम लोगों ने जब ये लोगों ने बोला कि वहाँ पे आ रहा तो हमने फौरन न्यू बोरिंग कर दिया, जब तक कि वो सुधरे वो भी यूज में आ जाएगी ना, फिर वो भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी यूज में, तो पूरा ही प्रॉब्लम बोरिंग तो 4-5 हो गई है।